मैं शिकागो। आप कहाँ से आए हो? मोहाली से। तो आपको कितने दिन पहले कोविड हुआ था? मार्च में, मार्च की स्टार्टिंग से लेकर मार्च कंप्लीट मंथ Actually, you was on rest. You were admitted somewhere? No, I was home isolated and was taking teleconsultations from Dr. Vishal Babu from Fortis Hospital. Okay. So, usme aapko koi problem to nahi aayi? Just some respiration issues were there, but I was on concentrator for 8 to 9 days, and then I was taking some COVID injections in stomach, and then I was on steroids for around 21 days. Oh. तो उस दौरान आपको ये वीकनेस उस टाइम आई और ये पाइल्स की प्रॉब्लम उसी टाइम डेवलप हुई या ये पहले से है? No, it is there since long, but then जैसे अभी इंजेक्शंस और मेडिसिंस लग रहे थे तो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा, because there were lot of medicines that I was taking during this course of time, so उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आई थिंक ज्यादा एक्टिवेट हुई, बिकॉज जो डाइट भी लेना है वो थोड़ा डिफरेंट था, आई हैड टू टेक नॉनवेज भी खाना, को एग्स भी लेने हैं, सो वो सब चीजों को मिक्स करके पहले नॉनवेज लेते नहीं आप? आई टेक इट, बट देन अभी थोड़ा सा जैसे सब चीजें मिक्स हो गए ना, स्टीरॉइड्स वर आल्सो देयर, एंड देन जो कोविड इंजेक्शन थे दे वर आल्सो सुपर स्ट्रांग, तो उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह थोड़ा सा टाइम के साथ साथ आए हैं ऑन स्किन ऑल्सो, ऑन एंटायर हेल्थ ऑल्सो, ऑन हेयर, एवरीवेयर। आई थिंक यू आर फीलिंग वीक। आई एम फीलिंग। तो उसके बाद जैसे आपको ये क्लिनिकल सिम्टम्स पाइल्स के डेवलप हुए, तो इसमें आपको क्या सिम्टम रहते थे? पेन रहता था या ब्लीडिंग रहती थी? पेन भी था, और पहले कभी बहुत रेयरली ओकेशनली ब्लीडिंग हो जाता था, बट अभी लास्ट वीक इफ आई टॉक अबाउट तो मुझे कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग रहा। अच्छा, लगातार ब्लीडिंग। 4-5 days आई नोटिस की मुझे व्हेन आई वाज पासिंग स्टूल, सो ब्लीडिंग वाज देयर। तो आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है कोविड की? नहीं, और आपका एज ग्रुप भी अभी नहीं शुरू हुआ होगा? जब तक अवेयरनेस आई तब तक आई वाज ऑलरेडी, आई मीन आई वाज कॉट अप बाय कोविड, एंड देन उसके बाद 45 days का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम करवा सकते हैं, सो दिस वीक आई हैव कंप्लीटेड। आई हैव बीन टेस्टेड नेगेटिव फॉर कोविड ऑन 6th April। सो आई This week it was due, so I'll be taking the vaccinations. If you will suggest me to take it further, of course, then you should take vaccine so that you should not get it again. तो उसको आप I think 6 weeks के बाद अपना एंटीबॉडी एक बार चेक कराइए और फिर देन yourself vaccinated. अच्छा, otherwise I am planning to get this done probably by the coming week. या तो मैंने इसी वीक ही कराना था। हाँ, ऑलमोस्ट महीना तो हो ही चुका है आपको नेगेटिव। अब इसमें कम्प्लीट हो गया, जो आपने मुझे जो ट्रीटमेंट मिला है या जो मेडिसिन है अगर उसके साथ आई कैन टेक इट, आई विल प्रोबेबली गो फॉर इट दिस वीक इटसेल्फ। ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट। और आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला इस हॉस्पिटल के बारे में? आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन द पास्ट, बट देन आई वाजंट टू श्योर, सो आई अर्लियर कॉन्टेक्टेड भारद्वाज फाइल्स हॉस्पिटल इन मोरिंडा। Okay. So they had also suggested me the surgery for the same. Right. But then I thought that I should always take a second opinion. So then in that case I thought, and then your name came into my mind, and then I started inquiring, and then from the web I took the number, and then I explored entire thing, and then I thought of being here and get this thing done ASAP. Okay. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ, मतलब ओवरऑल जब आप यहाँ आए आपको कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हो? एवरीथिंग इज गुड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिंग दैट बेल अपस्टेयर्स बिकॉज द सर्विसेज वाज अप, इट वाज वेरी एक्सीलेंट, एंड देन आई मीन द एंटायर स्टाफ वाज फ्रेंडली, एंड इफ आई टॉक अबाउट यू मैम आई फेल्ट होमली, एंड आई हैव बीन गिविंग प्रायोरिटी कंसिडरिंग माय यू नो कंडीशन पोस्ट कोविड, सो आई टोटली अप्रिशिएट द एंटायर। थैंक यू वेरी मच। और आप मतलब जैसे आपने इसको एक्सपीरियंस किया तो आप दूसरे पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करोगे, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत फियर फैक्टर रहता है, वो सोचते हैं बेसिकली ना, मैं पाइल्स का ट्रीटमेंट मैक्सिमम लोग डिले करते हैं बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर, उनको लगता है कि अगर ट्रीटमेंट कराया तो बड़ा ही पेनफुल होगा, बड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका अब यू हैव गॉन थ्रू इट फ्यू आवर्स बैक, नॉट मेनी डेज बैक, so what is your experience and suggestion towards them? I mean, once you take, even if we get the fever, it is always advisable because our immunity gets bit low, so it is always advisable to be bit lower into the process for 2-3 days,
सो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस सर्जरी एज वेल. आई थिंक दो तीन दिन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाएगा, बंद नहीं होगा, उसके बाद यू कैन ऑलवेज कॉन्टिन्यू विद योर रूटीन एंड एवरीथिंग. मेरे ख्याल से, बिकॉज मुझे अभी भी आई एम फीलिंग बेटर. आई डोंट फील लाइक कि मुझे बेड चाहिए, आई वांट टू रेस्ट एंड ले डाउन. वो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि यू वर ऑपरेटेड बाय द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया. तो अब उसमें जो आपके मन में है कि जाके कोई प्रिकॉशन लेनी है या 6 वीक्स में, उसमें सिर्फ दो ही बातों का आपको ध्यान रखना है. नंबर वन कि आपको अब आज के बाद अपने खाने की हैबिट को थोड़ा चेंज करना है. जो भी आप खाते हो आपको स्लो खाना है, च्यू इट वेरी वेल. जो भी आप खाते हो बहुत स्लो खाओ, उसको अच्छे से चबा चबा के लो. नंबर वन. नंबर टू, एक ना नेचुरल अर्ज होती है मैम, समटाइम्स यू वॉन्ट टू गो टू टॉयलेट बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वी आर नॉट डूइंग. लाइक एक लेडी किचन में खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए, तो वो सोचेगी कि मैं